चुनाव आयोग द्वारा एमपी के 3 सीनियर आईपीएस अफसरों पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज करने के निर्देश दिए जाने के बाद कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस पूरे गोरख धंधे का सरगना बताते हुए उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कमल पटेल ने कहा, इस मामले में कमलनाथ पर आपराधिक मामला दर्ज हो और उनसे पूछताछ हो तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान इनकम टैक्स विभाग ने अवैध वसूली की शिकायत पर तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ से जुड़े लोगों के 52 ठिकानों पर छापे मारे थे। कमल पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ, उनकी कंपनी, उनके सलाहकार आर के मिगलानी, अश्विनी शर्मा और भांजे रितुलपुरी ने प्रदेश में माफियाओं और अवैध निर्माण करने वालों से जमकर वसूली की और पैसा हवाला के माध्यम से कांग्रेस कार्यालय और प्रत्याशियों के खाते में डाले। आयकर विभाग ने अपनी जांच में इस मामले की पुष्टि कर रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप दी। इसके बाद आर्थिक अपराध ब्यूरो में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ को नैतिकता के आधार पर नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देकर प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि इस पूरे गोरख धंधे के सरगना कमलनाथ हैं, इसीलिए उनके खिलाफ भी आपराधिक कार्रवाई होना चाहिए। इनकम टैक्स को शिकायत मिली कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी, उनकी मोजरवियर कंपनी, उनके सलाहकार आर के मिगलानी, ओएसडी प्रवीण कक्कड़, अश्विनी शर्मा और भांजा रितुलपुरी सहित पूरी इनकी टीम ने भारी वसूली की है विभागों से, अधिकारियों से, ठेकेदारों से, अवैध निर्माणकर्ताओं से, अवैध रेत माफियाओं से, और कांग्रेस कार्यालय को पैसा हवाले के माध्यम से पहुंचाया गया है खातों में। और जब 52 जगह इनके छापे पड़े इनके ठिकानों पर, देश और दुबई में सब जगह, उसमें जो कागज जब्त हुए हैं, दस्तावेज जब्त हुए हैं इनके, सीए दिल्ली के चलानी सहित उनके कंप्यूटर में जो नाम खुलासे हुए हैं, वो इन्होंने कांग्रेस कार्यालय को करोड़ों रुपए पहुंचाए हैं, उम्मीदवारों को करोड़ों रुपए पहुंचाए हैं, उसका खुलासा हुआ है। और सीबीडीटी ने जांच करके राष्ट्रीय चुनाव कार्यालय को, केंद्रीय चुनाव कार्यालय को ऑफिस में भेजी रिपोर्ट, और चुनाव आयोग ने इनके खिलाफ कल ही सिफारिश की है कि इनके ईओडब्ल्यू में इनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए और इनको सजा दिलाई जाए। मैं मांग करता हूं कि तत्काल कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दें और नैतिकता के आधार पर और जनता से माफी मांगे कि मैंने मुख्यमंत्री रह के जो भ्रष्टाचार किया है उसके कारण आज खुलासा हुआ है, और इसलिए इनको इस्तीफा देना चाहिए, इनके खिलाफ भी मुकदमा कायम करना चाहिए, क्योंकि ये जितना भी गड़बड़ हुआ उसके सरगना कमलनाथ जी हैं, और इसलिए मैं मांग करता हूं कि कमलनाथ जी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।